सो एक्सरसाइज 13.7 है। देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर हाइट 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7। तो रेडियस यहां दिया है बच्चों 6 × 6 × height 7। तो ये 7 विल गेट कैंसल्ड, 3 × 1 = 3 × 2 = 2। सो 22 × 12, तो 12 × 2 = 24 और 264 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं आप। अरे पूरक नहीं है सर, ये पूरक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7, रेडियस हमारी 3.5 × 3.5 × 12, 3 × 1 = 3, 4 × 12। तो ये आएगा बच्चों 11 आएगा बच्चों, और ये कितना आएगा × 2.8 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। कैपेसिटी निकालना है हमको लीटर में। तो यहां पर क्या दिया है बच्चों, देखिए R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट बोले तो L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है L² इज इक्वल टू R² + H² बराबर। तो 25² इज इक्वल टू 7² + EH² आएगा। 625 − 49 इज इक्वल टू EH² सो H² इज इक्वल टू 7576। तो H इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ये 24 सेंटीमीटर आएगा, राइट। चलिए हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 यहाँ पे हम लोग एच 22/7 देते हैं, ठीक है। 22/7 इंटू रेडियस 7 है, 7 × 7 × हाइट इसका 25, 7 गेट कैंसल, 24 है। चलिए ठीक है, यह क्या आएगा बच्चों, 22 × 7 × 8 बराबर है 32 सेंटीमीटर क्यूब आए थे, ठीक है। और इसको लीटर में कन्वर्ट करना, लीटर में हो जाएगा 1.232 लीटर आएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अगेन यहाँ आपको हाइट निकालना पड़ेगी, H² इज इक्वल टू L² − R² दिस इज स्लांट हाइट 13² − 12² 169। क्या दिया है हमें, 8 × 8 मिस्टेक आज क्यों हो रहे हैं,
एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आर निकालना है आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस, सो दिस इज 25 आएगा, बराबर है। सो आर इज इक्वल टू 5 आ गया। वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आई, 1/3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है हमारा 5 है, 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितना है इसका 12 है बच्चों, 3 1 3 4 तो ये क्या आएगा 88 इंटू 25, इज इट करेक्ट बच्चों, अपॉन 7 ना, इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर है बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है बच्चों, तो 25 8 जा 200 हो जाएगा, 25 8 जा 200, 200 प्लस 20 220 आए, तो ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सो दिस इज इक्वल टू, एक मिनट काम, एक क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 22 इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 1000 लीटर, तो ये जो है 3.14 लिखेंगे इसको ना, ये दो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन 10 लीटर, तो ये 0.314 लीटर बोलेंगे, इज इट करेक्ट बच्चों, इज इट करेक्ट, यस ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज 1570, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस निकालना है आपको, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज गिवन, हाइट ऑफ ए कोन h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1570 1/3 3.14 इंटू रेडियस कितना है बच्चों 15 है, 15 इंटू 15 हाइट, सॉरी 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 आई मिस्टेक बोथ, रेडियस कितना है बच्चों निकालना है हमको ना, वी हैव टू फाइंड रेडियस, हाइट इज 15 है, पाई से मल्टी, ठीक है, 1570 इज इक्वल टू, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इज इट करेक्ट बच्चों, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 अपॉन 1570, ये पॉइंट निकाल लेंगे बच्चों, दो जीरो लेके राइट, ये एक जीरो यहां चला गया, 157 R square is equal to 100 centimeter. R is equal to 10 centimeter. Very good. R is equal to 10 centimeter. चलिए question number next. Question number 4. Volume of a right circular cone of height 9 centimeter. H is equal to 9 centimeter. V is equal to 48. पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड डायमीटर, इस टू आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो रेडियस फाइंड करेंगे बच्चों, बी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये
48 pi is equal to 1 by 3 pi, radius to nikalna hai, height 9, so 3 3 is 900. Ye pi yahan se cancel kar sakte hain. 48 upon 3 is equal to r square. R square is equal to 16, r is equal to 4 centimeter. Therefore, required diameter 2 into 4, 8 centimeter. Chale bachcho, is it clear? Yes, sir, sir. Okay, chale next question dekhte bachcho. Question number 4. The volume of a right circular cone of height 9 cm. ये तो हो गया सर, हो गया होगा ये. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. A conical pit. पिट का मतलब क्या होता है बच्चों, मराठी में बोलिए, व्हाट इज पिट? पिट का मतलब होता है बच्चों खड्डा होता है. A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is the capacity in kiloliters? ऐसा पूछा है. तो volume of a conical pit 1/3 pi r square h. So 1/3 22 upon 7. Diameter दिए बच्चों 3.5. Radius हमारी 3.5 upon 2 into 3.5 upon 2. इसका height कितना है? 12 meter deep. ये 12 है. तो देखिए बच्चों 3 सीज़ा 3 4 जा 12 है. ये चार के कैंसिल हो जाए, सेवन बन जाए, सेवन बन जाएगा. एलोन पॉइंट जीरो इनटू जीरो पॉइंट इनटू ये तो कैंसिल हो गया 3.5. इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा? 22.5. इसको, अरे हाँ, इसको तो मैंने मल्टीप्लाई किया है. आज कितना हो जाएगा कि 11.0 इनटू 3.5 आएगा. इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, 38.5 आएगा. मीटर क्यूब आएगा बराबर. तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है बच्चों. सो देयरफॉर इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. This is 38.5 kilo. The volume of a right circular cone is, अभी अगेन यहाँ वॉल्यूम दिया है बच्चों. नहीं 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 The volume of a right circular cone is V is equal to diameter means 2R is equal to 28, R is equal to 49. Find the height of cone दिया है. Height of cone यहाँ पहला question, first question लेते हैं. V is equal to 1/3 pi r square h.
9856 is equal to 1 by 3 into 22 upon 7, radius 14 into 14, height निकालना है, h. 7 1s are 7, 2s are 14, और चलिए 9856 upon into 3, 22 into 2. यहां पे क्या आएगा बच्चों, देखिए चलिए वन जा फोर्टीन फोर्टीन रह गए, चलिए यहाँ फोर्टीन भी रह गए, ये फोर्टीन चलिए बच्चों टू से मैंने कैंसिल किया इसको, टू फोर जा एट, टू नाइन जा एटीन, टू टू जा फोर, टू एट जा सिक्स, चलिए फिर से क्या करेंगे, टू से बदला है, फिर से ले लीजिए टू थ्री टू आए, अभी सेवन से ले लीजिए सॉरी सिक्सटीन सेंटीमीटर. स्लॉट हाइट ऑफ द कोर निकालना है, तो स्लॉट हाइट बोले तो क्या है बच्चों, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, बराबर है राइट. तो इसका क्या दिया है बच्चों, व्हाट इज गिवन हियर, आर कितना है हमारा, डायमीटर 14 है, एच कितना है हमारा 16 16 आया ना 16 16 48 आना चाहिए, गलत कहाँ हो गया सर, सभी थ्री मल्टीप्लाई करना रहेगा. अच्छा अच्छा थ्री से मल्टीप्लाई करना रहेगा ना, थ्री से मल्टीप्लाई करना रहेगा बराबर, ये 48 आएगा कुछ बराबर है. ठीक बोर्ड कर अच्छा सर, बोर्ड कर सर, खूब जस्ट बोर्ड है फिर आप ये आता है कि आप पढ़ पाएंगे मुझे नहीं आसुर. तो देखिए बच्चों हमको एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हमारा रेडियस आ गया 48 स्क्वायर प्लस हाइट कितना है, हाइट 48 है ना, रेडियस हमारा 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर राइट, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 14 बच्चों, 14 का स्क्वायर कितना है बोलो, 196 196 और 48 का स्क्वायर करो 204, वेरी गुड. चलिए तो इसको ऐड अगर करते हैं तो ये 2500 आएगा, रियल इज इक्वल टू कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया. थर्ड क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया क्या फार्मूला है बच्चों, पाई आर एल 22 अपॉन 7, रेडियस कितना है हमारा 14, एल कितना आया, व्हाट इज यर 25 ना, कितना है यार 50 सॉरी सॉरी 50 है ना, बहुत मिस्टेक हो रहे 50.
बराबर है बच्चों करोड़ सरफेस एरिया। सर 44 into 50। चलो मल्टीप्लिकेशन बताओ कितना आ रहा है। 2200। गुड। ठीक है बराबर है बच्चों। चलिए वेरी गुड। ऐसे पार्टिसिपेट करना है। लेट अस टेक बच्चों वन मोर एग्जांपल लेंगे। विल टेक वन मोर एग्जांपल। लेना है या बाद में लेते बच्चों बोलिए। बाद में लेते हैं। चलिए ओके। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7। A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm. देखिए एक right triangle है। Sides कितने हैं? 5 cm, 12 cm and 13 cm. ये 12 cm, 5 cm और ये 13 cm. इसमें क्या दिया है? Is revolved about side 12 cm. इसको रिवॉल्व किया है। इट इज रिवॉल्व अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर। तो रिवॉल्व करेंगे ऐसा। तो ये कोन बनेगा। इस कोन का हमें वैल्यू निकालना है। Volume of a cone is equal to 1 by 3 pi r square h. So 1 by 3 into 22 upon 7. Radius kitna hai bachcho? 5 into 5. Height kitna hai iska? 12. So this is 3 4s are 12. 3.14 करते हैं बच्चों इसको इनटू 100 या फिर क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ है सर? सर राइट है। फोर आर इन की क्यूब लेंथ रॉस्पा इतना अगर बार फोर्टी फोर आस आप लेंगे कहाँ लगे लेंथ रॉस्पा की क्यूब कट करें से पर्ची होगा की ना रे ऐसा बनेगा बच्चों। यहाँ इसको ऐसे रिवॉल्व करेंगे। दूसरा ऐसा कोण बनेगा। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू वैसे ही रखेंगे। तो इसका रेडियस बच्चों ये 12 हो जाएगा। यानी रेडियस विल बी 12 एंड हाइट विल बी 5। क्वेश्चन नंबर 9। ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. तो इसका volume निकाल देंगे। Volume of
और हीप, ये कोनिकल शेप में तो उसका फार्मूला यूज करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर पी एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे बच्चों यहाँ पर 22/7 लिखेंगे। रेडियस की देखिए इन द फॉर्म ऑफ कोन उस डायमीटर इज 10.5, तो ये 10.5/2 इंटू 10.5/2 रेडियस। और इसके हाइट कितनी दी है बच्चों, हाइट इज 3, ये 3 यहां से कैंसिल हो जाए बराबर है, ये यहां से कैंसिल हो सकता है। तो 7 × 1 = ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और 2 से डिवाइड करेंगे इसको, या फिर 2 × 5 = 5.5 × 1.5 × 10.5। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों, इट विल कम 86.625 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। नाउ इसमें वन मोर एडिशनल क्वेश्चन इज देयर बच्चों, क्या क्वेश्चन है एडिशनल, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड एरिया ऑफ द कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास निकालना, इसका मतलब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हीप इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवस, दैट इज पाई आर एन आई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो स्लॉट हाइट है, स्लॉट हाइट निकालना पड़ेगा इसका। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए क्या, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे बच्चों। तो इसका हाइट जो है 3 स्क्वायर प्लस रेडियस इसका आएगा बच्चों, रेडियस इज 5.25 आएगा, तो 5.25 स्क्वायर आएगा ये, तो ये आएगा बच्चों 9 + 27.5 625, ये आएगा 36.5625, इट इज एल स्क्वायर, इसका लेंथ निकालेंगे, सो एल इज इक्वल टू 6.047 है। अभी हमको यहां रखना है बच्चों, यहां रखना है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवस पर आ गया 3.14 इंटू रेडियस कितना है बच्चों हमारा 5.25 है, इंटू 6.05, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इट विल कम 99.825 मीटर स्क्वायर।